नमस्ते, मैं हूँ शिल्पी एंड मेरे चैनल पे आपका स्वागत है एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फेस्टिव मेकअप लुक्स इन साड़ी। एंड टुडे इज़ डे 6 एंड टुडेज़ मेकअप लुक इज़ अबाउट दुर्गा पूजा अष्टमी लुक, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करके बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली ईजी स्टेप्स को फॉलो करके मैंने ये क्रिएट किया है। एंड यू कैन सी कितना अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट हुआ है। सो स्किप किए बिना लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना एंड ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैंने CTM ऑलरेडी कर चुका है एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। दिस इज़ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक का बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसको हम अपने फिंगर्स की बीच में वार्म करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे अपने टी जोन से, उसके बाद पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। ये एक मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है, तो एक मॉइस्चराइजर का भी काम करता है और साथ ही साथ हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, पोर को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। यहाँ पर मैं यूज़ करी इनसाइड कॉस्मेटिक का फाउंडेशन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शीयर डे टाइम का लुक चाहिए था और ये फाउंडेशन बहुत ही कम कवरेज देता है, एकदम आपके लाइट वेटेड जो फॉर्मूला है ना वो वाला है, इन द स्किन लाइक आपका जो टेक्सचर होता है वो हो जाता है इस फाउंडेशन से। ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए आपको तो ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन पे आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप लोग फिटमी के लिए जा सकते हो अगर आप बिगनर हो तो, या फिर आपके पास जो भी फाउंडेशन है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अप्लाई किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर जहाँ जहाँ पे भी मुझे नीड है, यहाँ पे अंडर आईज पे, आईज में एंड जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि हाँ डार्कनेस ज़्यादा है वहाँ पे मैं कंसीलर को यूज़ करूँगी। अभी मैं लिक्विड लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ करूँगी, उसको भी मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। एंड अभी मैं यहाँ पे जो ये टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ वन लेयर टेक्निक जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि ये हैक काम करता है कि नहीं करता है। एंड बस उस वायरल हैक में ये होता है कि आपका फाउंडेशन है जो और भी ज़्यादा डॉटेड वे में रहता है, प्रिसाइज वे में रहता है, कंसीलर एंड आपका कॉन्टोर भी एक साथ ही रहता है। बट मैंने यहाँ पे कॉन्टोर यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं लिक्विड कॉन्टोर यूज़ नहीं करती हूँ। एंड यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले कंसीलर को ब्लेंड किया है, उसके बाद मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर दूंगी। एंड मैंने बहुत कम प्रोडक्ट लगाए थे तो इसलिए ईजिली बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, यू कैन सी। सो आपको लाइट टू जैसे जैसे आपको जो लाइट कलर है सबसे पहले वो ब्लेंड करना है, फिर डार्क कलर यानी कंसीलर पहले, फिर फाउंडेशन, फिर उसके बाद आपको लास्ट में अपना ब्लश जो है वो ब्लेंड करना है। तो इसकी टेक्निक यही है एंड सच में ये सिंगल लेयर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा केकी नहीं लगता, आपका मेकअप मोर नेचुरल लुक अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। आप देखिए मैंने नेक लाइन पे भी अपना ड्रैग करके थोड़ा सा वहाँ पे भी अप्लाई कर लिया है एंड ईयर्स के पास भी मैं अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। एंड यू कैन सी कितना शीयर कवरेज मिला है जो कि डे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अब मैं अप्लाई करूँगी, अब मैं ब्लेंड करूँगी अपना ब्लश। ब्लश को भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक थी तो थोड़ा सा सूख गई है, तो इसको ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो थोड़ा ड्रैग करना पड़ा वहाँ पे। बट अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हो एज अ ब्लश तो आप तुरंत तुरंत ही ब्लेंड कर दोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से कवरेज आएगा। बट कोई नहीं, हम लोग इसको पाउडर ब्लश की हेल्प से अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो मैंने ब्लेंडिंग जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली है अभी एंड अब हम लोग अप्लाई करेंगे एक लाइटनिंग कंसीलर। ये मैं अपने अंडर आईज़ पे एंड आईज पे जहाँ जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है अपने चेहरे को वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। ये ना अच्छे से हाईलाइट कर देगा आपके पूरे फेस को। सबसे पहले तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे और थोड़ा सा नेचुरल फिनिश चाहिए तो उसके बाद मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, इससे ना एकदम नेचुरल फिनिश आ जाता है, यू कैन सी। एंड यहाँ पे देखिए ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने पे ना आपका जो क्रीज लाइन वगैरह होता है ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब मैं पाउडर की हेल्प से सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स को जो है बेक कर दूँगी, सेट कर दूँगी। यहाँ पे देखिए बेकिंग के लिए मैंने अंडर आइज पे थोड़ा सा बेक किया है, पाउडर ज़्यादा लगा लिया है, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल मैं पूरे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, यहाँ पे जॉ लाइन के पास भी इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं अपने पाउडर से। एंड उसके बाद मैं लूँगी अपना ये वाला पैलेट, यहाँ से मैं अपना पाउडर ब्लश लूँगी और जहाँ पे भी मैंने लिक्विड ब्लश अप्लाई किया था वहाँ पे मैं अपने ये वाला ब्रश अप्लाई कर दूँगी। इस तरीके से जैसे जहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने साइडवर्ड, तो यहाँ पे अगर आप ब्लश अप्लाई करोगे तो आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा लिफ्टेड लगेगा और भी ज़्यादा एजी लगेगा आपका फेस। तो इस तरीके से मैं यहीं पे अपने जहाँ पे मैंने ब्लश ख़त्म किया है जस्ट वहीं पे मैं कॉन्टोर अप्लाई करूँगी
उन दोनों को मिक्स करते हुए, एंड इस तरीके से हमारा जो फिनिश होगा और भी ज़्यादा नेचुरल हो जाएगा। कॉन्टोर को मैं और जगह भी अप्लाई करूँगी, तो मैं बेसिकली पाउडर कॉन्टोर ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद हम अपने फेस को क्लीन कर देंगे जो भी हमने बेकिंग की थी, एंड पाउडर को अपने अच्छे से सेट कर देंगे। एंड अब मैं अपना करने जा रही हूँ आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने ये वाला ब्रॉन्जी टोन लिया था फ्रॉम द पैलेट, फेस पैलेट, और इसको अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा इजी है, आपके पास कोई भी ब्राउन टोन ब्राउन कलर हो, ब्राउन लिपस्टिक भी है तो भी चल जाएगी। उसको अपने पूरे लिप पे इस तरीके से अप्लाई कर लो आप अपने स्किन टोन से, दो या तीन शेड डार्कर शेड लेके आप इस तरीके से अपने पूरे लिड पर अप्लाई कर लो। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये वाला शिमर, और ये अगेन एक रोज़ गोल्ड शेड है, वो वाला शेड है। इसको मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी, पूरे लिड पे ही अप्लाई करूँगी। एंड ये सबसे ज़्यादा इजी मेकअप लुक है गाइस, आई मेकअप लुक है, बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है, हर एक इंडियन आउटफिट के साथ जाता है, इवन आप अगर वेस्टर्न भी पहनते हो तो उसके साथ भी जाता है। उसके बाद मैंने एक ब्लू लाइनर अप्लाई किया था जो कि मुझे थोड़ा सा चटक लग रहा था, इसको टोन डाउन करने के लिए मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है, एंड ये पेंसिल ब्रश है, उसकी हेल्प से मैं स्मज आउट कर रही हूँ, तो इसका जो टोन है ना थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अब मैं आईब्रोज़ को सेट करूँगी स्विस ब्यूटी के इस वाले पैलेट से, एंगुलर ब्रश की हेल्प से इस तरीके से मैं सेट कर लूँगी अपना आईब्रोज़। आईब्रोज़ को आज मैंने थोड़ा सा मोटा शेप दिया है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था इस तरीके से, एंड यू कैन सी बहुत ही ईजिली हो जाता है ये वाला। एंड आप ब्राउ पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी मतलब ब्राउ प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो आप अपने ब्राउज को फिल कर लीजिए। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे वाइट काजल, मैं ब्लैक काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। एंड ये देखिए वाइट जो काजल है ये ग्लैम 29 ग्लैम 90 का है शायद, कौन सा ब्रांड है मैं लिंक दे दूँगी सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं वाइट काजल अप्लाई कर लूँगी अपने लोअर लाइन पे, एंड उसके बाद मैं मस्कारा लूँगी, उसके वॉन्ड से खाली करूँगी जो भी मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है उसको हटाऊँगी। उसके बाद मैं तीन चार कोट अच्छे से अप्लाई करती हूँ मस्कारा का, क्योंकि हम लोग कोई भी फास्ट लेसेस अप्लाई नहीं कर रहे हैं। एंड ये वाला जो मस्कारा है बहुत अच्छा है, इसके वॉन्ड इतने अच्छे हैं कि आपके जो लेसेस हैं उनको लिफ्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद मैं ये न्यूड कलर का लिपस्टिक लगाऊँगी, दिस इज़ वेरी यू नो कौन सा बोलते हैं इसको, रस्टी कलर का है, रस्टिक कलर का लिपस्टिक, जो कि मुझे लग रहा था कि इस वाले डे टाइम लुक के लिए बहुत परफेक्ट होगा। एंड ये इतना नेचुरल मेकअप लुक है ना, इवन आप इसको किसी भी फंक्शन में किसी भी ओकेजन में छोटे मोटे इसको कैरी कर सकते हो। अगर आपको मेकअप नहीं भी पसंद है तो भी आप ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो अपने आप को पुट टुगेदर दिखाने के लिए। एंड इसको ना मैं थोड़ा सा कलर और देना चाहती थी अपने लिपस्टिक में, तो मैं एक रेड कलर कर लूँगी, उसको अपने सेंटर ऑफ द लिप्स पे इस तरीके से डैप डैप करूँगी और उसको मिक्स कर लूँगी। मीनवाइल ये जो लिपस्टिक थी ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी, तो ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया, तब भी मैंने इसको ट्राई किया है मिक्स करने का। अगर आपकी लिक्विड लिपस्टिक तुरंत तुरंत मैंने लगाई होती और तुरंत तुरंत ही दूसरी लिपस्टिक भी लगा ली होती ना, तो ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता, बट फिर भी ये अच्छा लग रहा था। आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। एंड ये देखिए हमारा मेकअप जो है वो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं अपना मेकअप स्प्रे लूँगी, उसको पूरा ऑल ओवर स्प्रे कर लूँगी। एंड अभी मुझे बाद में पता चला कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रे कर लिया था क्योंकि ये मेल्ट होने लगा था, तो आप ये ध्यान रखना कि आपका जो स्प्रे है उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करो, दो तीन स्प्रे ही करो, इतना काफ़ी है, क्योंकि आप चार पांच कर लोगे ना तो आपका मेकअप जो बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लगेगा, तो मेकअप हट भी सकता है। तो मैं जल्दी से इसको इस तरीके से फ़ैन की तरफ देखते हुए इसको सुखा रही हूँ कि जल्दी से सूख जाए, नहीं तो मेकअप मेरा जो है वो मेल्ट होने लगेगा। एंड अब देखिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से डैब डैब कर लूँगी, तो मेकअप और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो एयर ब्रश लुक, तो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर में स्प्रे करके इस तरीके से डैब डैब कर सकते हो। एंड अब मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर। अगर आप अपना मेकअप स्प्रे करने के बाद हाइलाइटर यूज़ करते हो ना, तब तो इतना अच्छा सा इफेक्ट आता है ना गाइज, यू कैन सी 3D इफेक्ट आ रहा है पूरा, जहाँ जहाँ पे भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। सो आप देखिए हाई पॉइंट्स पे मैंने अपने अच्छे से कर लिया। अभी मैंने यहाँ पे आज हार्श कॉन्टोरिंग नहीं है, नोज़ वगैरह मैंने कॉन्टोर नहीं किया है क्योंकि मुझे एकदम नेचुरल फिनिश ही चाहिए था। एंड अब मैं अप्लाई कर लूँगी ये डार्क ब्लू कलर की लिप बिंदी, जो कि मेरे साड़ी से एकदम मैच करती हुई है। एंड यस, हमारा जो लुक है वो रेडी हो चुका है।
एंड गाइज उसके बाद मैं पहन लूँगी ये झुमके रेड कलर के। मैंने अपने जूली को एकदम मिनिमल रखा है, गले में मैंने चेन पहन रखी है, उसके बाद मैंने ये रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी हैं एंड दूसरे हाथ में मैंने एक वॉच डाल दी है एंड इस साड़ी से कॉन्ट्रास्ट का मैंने ब्लाउज़ पहन रखा है, ये देखिए। सो मैंने ओवरऑल अपने पूरे लुक को बहुत ज़्यादा मिनिमल रखा है, बहुत ज़्यादा वेयरेबल रखा है। इसको आप अगर मैरिड हो तो भी पहन सकते हो, अनमैरिड हो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो एंड अगर आप टीनेजर हो तो भी इस वाले लुक को कैरी कर सकते हो। बालों को मैंने खुला छोड़ दिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने अपने बालों में स्मूदनिंग करा रखी, तो मैं कोई हेयर स्टाइल अभी ट्राई नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने जस्ट इसको इस तरीके से ट्राई कर। आप चाहो तो अपने बालों को इस तरीके से आगे भी रख सकते हो, आप चाहो तो बालों को पीछे भी रख सकते हो। सो गाइज़ ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड और भी जो भी मेकअप लुक्स हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उसको भी चेकआउट कर लेना। प्रोडक्ट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी चेकआउट कर लेना एंड फाइनल जो लुक है साड़ी का वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, तो उसको भी इन्जॉय करना। एंड यस गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया मेरे इंस्टाग्राम पे, एंड आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो कि आपको और कौन से मेकअप लुक्स चाहिए या कौन से व्लॉग चाहिए, वीडियो चाहिए, ये सब मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड यस एंजॉय द वीडियो, बाय बाय।